नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। हाथरस केस में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हाथरस के एसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और अब उनका नार्को टेस्ट भी होगा। देखिए, हाथरस कांड के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है और कल रात जिले के एसपी डीएसपी सहित कुल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने एसपी विक्रांत वीर, डीएसपी और क्षेत्र के इंस्पेक्टर को घटना के बाद कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी विक्रांत वीर, डीएसपी रामशब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा सहित 2 और पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया। एसपी विक्रांत वीर की जगह अब शामली के एसपी विनीत जायसवाल हाथरस के नए एसपी होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईटी की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं और लोगों के गुस्से और देश भर में जारी प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट होगा। वही आज जंतर मंतर पर पूरा विपक्ष घटना के विरोध में एकजुट हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में सीएम आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की गई, साथ ही दोषियों को सजा देने की मांग भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।